क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन को आपको बनाना है। सभी कोई क्वेश्चन लिख लिए थे? यस सर। चलो वेरी गुड, उसको ट्राई कीजिए बनाने के लिए, ट्राई कीजिए। अगर बन जाता है तो तुरंत हैंड राइज कीजिए, हम आपको परमिशन देंगे स्क्रीन शेयर करने के लिए, ठीक है? सभी कोई ट्राई करेंगे, जितने भी क्लास में सभी कोई ट्राई करेंगे। ये लास्ट ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक बार अगर बन गया, अगर इस टाइप का भी क्वेश्चन अगर कभी भी पूछेगा तो आप बना सकते हैं। आपको सिर्फ दिमाग लगाना, सोचना है कि कैसे हम लोग उसको ट्रिग्नोमेट्री में निकालेंगे। अगर जो पॉइंट, अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अभी, तो बहुत तगड़ा बात है। किनको किनको क्वेश्चन पढ़ते ही साथ समझ में आ गया कि करना क्या है, किनको किनको कुछ समझ में ही नहीं आया कि हो क्या रहा है इसमें। हैंड राइज करेंगे, आपके पास टाइम नहीं है, नेक्स्ट क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा, नेक्स्ट स्टार्ट होने से पहले आपको ये कंप्लीट भी करनी है, ओके? नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो शेयरिंग हो गया व्हाइट बोर्ड करने की वजह से। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, हम डायग्राम बना देंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। एक बार डायग्राम बन गई मतलब आपका क्वेश्चन बन गया, डायग्राम नहीं बनी मतलब क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। सबसे पहले जो कह रहे हैं इसमें, इसको हम लेके चलते हैं। पहला क्या कह रहा है कि टू गेट द पी क्यू पॉइंट ऑफ चार्ज, टू टेक इन टू पी एंड आपका पी एंड आर एंगल ऑफ क्यू, ये तो बाद में आएगा, आर एल ऑफ क्यू रीडिंग एंड बेंच मार्क ऑफ आर एल 250 मीटर एंड इतना बाय इतना स्टॉप रीडिंग है, दूसरे से रिस्पेक्टिवली दोनों है पी एंड आर। चलो यहां पर बोल रहा है कि दो पॉइंट है पी एंड आर, पी एंड आर दो रीडिंग के लिए हम लोग को निकालनी पड़ेगी। पहला फर्स्ट क्या है कि एक आपका इस तरह का हाइट वाला, क्या हो रहा है, चलो एक हाइट पे गया, दूसरा उतर गया, उतरने के बाद फिर आप इससे ज्यादा हाइट पर चला गया, ठीक है? अब यहां बोल रहा है कि एक चर्च है, चर्च का बात कर रहा है ना यहाँ पे। चर्च बनाने के लिए बहुत आसान है, चर्च बना देते हैं, स्ट्रेट लाइन देकर तो वो जगह क्रॉस लगा देते हैं चर्च जी का, ये हो गया चर्च का हाइट, ये हो गया चर्च के ऊपर, ठीक है? अब बोल रहा है कि दो स्टेशन है, एक स्टेशन आपका यहां पर
है। दूसरा स्टेशन है यहां पर, दूसरा स्टेशन है यहाँ पर। दो स्टेशन दी गई है, दो स्टेशन है आपका इस तरह से। पहला स्टेशन हो गया एक, और ये दो स्टेशन दी गई है। अब हम इसमें थर्मोडाइट लगा हुआ है कि स्टाफ रीडिंग है, स्टाफ रीडिंग दी हुई है यहाँ पे। अनुसार बनाना पड़ेगा स्टाफ रीडिंग। आप यहाँ पर स्टाफ रीडिंग दी हुई है, स्टाफ रीडिंग के साथ ये आपका ये लाइन जुड़ी हुई है। चलो मान के चलो ऐसे है, स्टाफ रीडिंग इस पोर्शन पे आ रहा है। आप कह रहा है कि यहां से इसके ऊपर चर्च के जो टॉप है उसके ऊपर देखें, ठीक है, और इस पोर्शन से भी चर्च के ऊपर देखें, दोनों से टॉप पे देखने के बाद दोनों का लाइन ऑफ कल्मिनेशन मिलेगा, यानी इसका भी होगा कुछ। डॉटेड लाइन बनाते हैं, एक इसी तरह से सिमिलरली इसका भी होगा। अरे यार डिस्टर्ब, हो गया। इधर से भी आपका बनते हुए आएगा, लेकिन इसका कलर चेंज करके ही दिखाना पड़ेगा, इस कलर में नहीं दिखा पाएंगे। एक दूसरा तीसरा और ये चौथा पांचवा छठा सातवा, उसी के अनुसार इसका भी बनेगा। सिमिलरली इसका भी बनेगा। हो गया। यहां से यहां इस पॉइंट से इस पे जो रीडिंग आई है फर्स्ट रीडिंग, और यहां से आई है सेकेंड रीडिंग, मतलब ये आपका फर्स्ट रीडिंग होगी और वो ना सेकेंड रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग और सेकेंड रीडिंग में आपको अंतर कैसे पता चलेगा, यहाँ पर पहले से दी हुई है क्वेश्चंस वगैरह, आपको देखते ही साथ समझ में आ जाना चाहिए कि पूछ क्या रहा है। यहाँ पर बोल रहा है बेंचमार्क, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, यहाँ पर लिख रहा है बेंचमार्क इक्वल टू 100 250 ना 250 लिख रहा है, पहले से बताया हुआ है। इसकी हाइट पहले से दी हुई है, कितना दी हुआ है पहला में 250 के बाद यहाँ पर दिया हुआ है, एक है आपका 3.62 और दूसरा का दिया हुआ है 2.45 दी हुई है ना। अब यहां से लेकर ये हाइट से लेकर ये हाइट को हम लोग भी बोल दिए, और इसको हम लोग बोल दिए स्टाफ रीडिंग, और ये जो एंगल है ये आपका 19 डिग्री, और ये जो एंगल है यहां से लेकर यहां तक की जो एंगल बनेगी इसको हम लोग थीटा बोल दिए, ठीक है थीटा। और अपर पोर्शन को हम लोग क्यू बोले, क्यू, ठीक है। अब यहां पर जो लाइन है इसको हम लोग बोल दिए बी, और इसको बोल दिए हम लोग सी, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये पॉइंट को बी, एक को सी बोले। ये जो पॉइंट है इसको हम लोग बोल दिए ओ, और ये जो पॉइंट है इसको हम लोग बोल दिए ए, ठीक है। ये
बैकसाइड रीडिंग, ये होगी बैकसाइड रीडिंग, बैकसाइड रीडिंग टू और ये होगी बैकसाइड रीडिंग वन। बारह बजे से ओके सर। तो ये दो रीडिंग हो गई। अब हम लोग को करना क्या है कि इसको बोल रहा है जो हम लोग यहाँ पर P से Q, ठीक है, P से Q एक लाइन है, P से Q एक लाइन है, ठीक है, P से Q लाइन है जिसका जो आपका दी हुई है 250 मीटर। ठीक है, आते हैं, आ रहे हैं तो ठीक है, आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है, बोल देना कि खाना बना कर रखने के लिए। हाँ ठीक है, यहाँ पर जो है तीन पॉइंट दी हुई है, तीनों पॉइंट के बारे में लिखा गया है। अब जो है यहाँ पर हम लोग को ये पॉइंट दी हुई है, इसका नाम है P, इसका नाम है आपका P, ये दिया हुआ 4240 मीटर और ये डिस्टेंस इसका नाम है, ये डिस्टेंस R और ये Q, RQ लाइन और ये लाइन की क्या हो जाएगी PQ लाइन और ये लाइन क्या होगा हमारा PR लाइन, PR लाइन, ठीक है। ये तीन लाइन दी हुई है, दो एंगल दिया हुआ है, इसके अनुसार एक तीसरा एंगल हम लोग निकाल सकते हैं 180 से माइनस करके, ठीक है, ये तीसरा एंगल हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, इसको तीसरा एंगल को निकाल सकते हैं, निकाल कर उसको बनाना है, साइन रूल लगा देना है, साइन 30 डिग्री बाई ये वाला 37 बाई ये PQ लाइन कितना आएगा उसके अनुसार, ये आपका दो दिए हुई है, दोनों का अनुसार लगाकर इसका टोटल निकालनी है। यहां तक हम आपको समझा दिए हैं, आपको बनाना है, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है तो आप इसको बनाइएगा घर में और नेक्स्ट क्लास में हमको दिखाइएगा। हम डायग्राम बनाने के लिए हम आपको बोले थे कि नेक्स्ट क्लास में आपको दिखानी है, तो डायग्राम बन गया है, सभी का बन गया होगा। यस सर। चलो डायग्राम बन गया है तो उसको डायग्राम को लिख लीजिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, ये आपका डायग्राम, ठीक है, डायग्राम हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का डायग्राम हो गया सभी के पास में। यस सर। चलो अब बनाना है नेक्स्ट क्लास में, उसको बना कर लाना है, बहुत आसान है, कुछ टफ नहीं है, साइन रूल लगानी है, साइन रूल लगा कर बना देना है। समझ में आया कैसे ही डायग्राम बनेगा? अभी इसके अनुसार कभी लाइफ में नहीं तुम कभी भूलोगे इस टाइप का क्वेश्चन, कोई भी पूछ दिया तो कि कैसे निकलेगा, हो जाएगा ना यस एंड नो, कुछ तो बोलो कि नहीं हो पाएगा सर। हम ट्राई करते हैं सर, हम लोग सिर्फ दाल भात बना हुआ खाने सर, बना के लाएंगे सर, हम लोग सिर्फ दाल भात बना के जाते हैं, ऐसे बोलना होगा, बना के लाएंगे सर, बना के लाना है सर, इस बार दाल भात बनेगा भी और टेस्टी भी बनेगा सर, टेस्टी भी बनेगा, वेरी गुड, और बना कर लाना है, ऐसा नहीं है कि बुक में जितना क्वेश्चन दिया हुआ सारा क्वेश्चन सॉल्व करने कोशिश करो, इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें,
ऐसा हम नहीं बोल रहे सर, ऐसा लड़की लोग बोल रही है सर, मेरे पे मत लीजिएगा सर। वेरी गुड, 10 लोग बहुत आगे तक जाएंगे और उसका योगदान आप ही ले जाएंगे। हमेशा लड़कियों से प्रॉब्लम क्यों हो रहता है? अभी तो कोई नहीं बोली कुछ, सब पता रहता है कि लड़की लोग कुछ बोल रही है। वाओ, तुम लोग कोशिश करो बोलने के लिए, तुम लोग तो बोलती ही नहीं हो। अरे दीदी लोग कुछ नहीं बोलती है तो बोलना पड़ेगा। हम लोग के बदले में ये मतलब ठीका लेके रखा है बोलने के लिए। अरे अरे अंजलि शांत रहो। नहीं ये हमेशा लड़की पे कमेंट करते रहता है। अरे छोड़ो ना छोड़ो ना, कोई बात नहीं छोड़ो। अरे तुम तो तुम लोग प्रोत्साहन कर रहा है ना, तुम लोग आंसर दोगी तो अच्छा बात है ना, नहीं दोगी तो क्या मिलेगा? बना हुआ खाना तो खा ही सकते हो। सपोर्ट कर रहे हैं यार, सपोर्ट कर रहे हो तुम्हारा, तुमसे गलत वे में ले रही हो, गलत वे में नहीं लेना है ठीक है। उसको तुमको बोल रहा है मतलब कि तुमको सपोर्ट कर रहा है कि तुम आंसर दो, जहाँ दिक्कत हो रहा है तुम डाउट पूछो सर से, सर जवाब देंगे। नहीं सर छोड़ दिए सर, मत पूछिएगा सर, रहने दिए सर, डाउट्स में रहती है सर, ले लीजिए सर क्लास टेस्ट सर, सबसे समझ में आ जाएगा सर कि कौन कितना डाउट में। ट्रिग्नोमेट्रिकल लर्निंग से क्वेश्चन ये सॉल्व करने के बाद ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चंस लेंगे और सबको स्क्रीन शेयर करके दिखाना है। सर जो जो क्लास ज्वाइन नहीं करेगा ना सर, उस पर भी क्वेश्चन उठाइएगा सर, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन करने नहीं देंगे उसको अभी, वीडियो ऑन करके सर। चलो ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। Welcome. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.